नमस्ते, मम नाम कंका सावा अस्ति। अहम् षष्ठम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयं नाम सेंट जेवियर्स स्कूल अस्ति। अहम् संस्कृते कथां वदिष्यामि। एकस्मिन् वने एका वृक्ष आसीत्। किसी वन में एक पेड़ था। तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु निदेषु खगा सुखेन औषन। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने घोंसले के साथ रहती थी। तत्र कश्चित् वानरा अपि औषन। उस पेड़ पे एक वानर भी रहता था। एकदा महती वृष्टि अभवत्। एक बार बारिश होने लगी। तत्र शह वानर वृष्टि जलेन आद्र कंपित च अभवत्। वह वानर वर्षा की जल से भीग रहा था और कपकपा रहा था। खगा सीतीन कंपमानं वानरं अवदन्। भू वानर त्वं कष्टम अनुभवसि। चिड़िया कांपते हुए वानर से कहती है, भू वानर तुम कष्ट में दिखाई दे रहे हो। तत्कथं गृहस्य निर्माणं न करोषि। तुम घर का निर्माण क्यों नहीं कर लेते हो। एतत् श्रुत्वा स अचिन्तयत्, अहो एते क्षुद्रा खगा माम निन्दन्ति। यह सुनकर वह वानर चिंता में पड़ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मेरी निंदा कर रही है। अतः स खगानाम निडानी वृक्षात अधा अपातयत्। इसलिए वह वानर चिड़िया के घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा देता है। खगा निडय सह तेषाम अंडानी अपि नष्टानि अभवत्। चिड़िया के घोंसले के साथ उसका अंडा भी नष्ट हो गया। उक्तम ही उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपायना शान्तये। किसी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।